बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम स्टूडेंट्स और देखने वालों को इस सेशन में खुश आमदीद। मैं आपको इस सेशन में गाइड करूंगा कि आप लोग जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली आप लोगों को गूगल क्लासरूम में ज्वाइन होने के लिए जीमेल अकाउंट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी काम कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पहले से जीमेल अकाउंट बने हुए हैं तो आप सेशन नंबर 2 ज्वाइन करें और उसको देखें कि आपने गूगल क्लासरूम को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जीमेल अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे। उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में किसी ब्राउज़र की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर ओपेरा यूज़ कर रहा हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर जीमेल लिखें, gmail.com। ये गूगल वालों का ईमेल अकाउंट सर्विस है। यहाँ पर जब आप इसको लॉगिन करेंगे, जब gmail.com लिखेंगे तो आपके सामने ये कुछ इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस पे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ होगा तो डेफिनेटली आप साइन इन करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो उसके लिए फिर आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं चूंकि यहाँ पे गाइड करूँगा कि नया अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आप लोग क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस, तो डेफिनेटली आपने अपने पर्सनल जी मेल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए फॉर माई सेल्फ आप क्लिक करें। कुछ रिक्वायर्ड होंगी फील्ड्स। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लीगल इंफॉर्मेशन दीजिए, जो कि आपका एक ऑफिशियली अकाउंट होगा। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम दे रहा हूँ अपना मोहम्मद, लास्ट नेम वसीम। और ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो नेम होंगे जो आपके अकाउंट में शो होंगे, और जब आप गूगल क्लासरूम के साथ ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपके फर्स्ट और लास्ट नेम के साथ ये मिलकर आपके नाम को शो करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपने जो रियल नेम्स हैं वो यूज़ करें। बोगस इंफॉर्मेशन ना लिखें और ना ही इररेलीवेंट नेम यूज़ करें, क्योंकि आपकी ग्रेडिंग और आपके जो मार्क्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन क्लासरूम में होगी वो डेफिनेटली आपके नेम के अगेंस्ट होगी। और अगर आपका कोई नेम इररेलीवेंट होगा तो डेफिनेटली इंस्ट्रक्टर उसको इग्नोर कर देगा। सो बी रिक्वेस्ट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अपने नेम के साथ यूज़ करें। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है यूज़र नेम। अब यूज़र नेम से मुराद ये है कि आप अपनी ईमेल अकाउंट का नेम या वर्ड्स या उसमें क्या स्पेल यूज़ करेंगे, या आपका एक्चुअली जीमेल अकाउंट जो होगा वो एक्चुअली ये होगा। तो ये गूगल ने सजेस्ट किया खुद से, तो आप चाहें तो अपनी मर्जी का एक अकाउंट, जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद वसीम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वसीम.2017। अब अगर ये पहले से अकाउंट बना होगा तो वो आपको बता देगा भी ये अवेलेबल नहीं है, और अगर ये नहीं बना होगा तो आपको तब भी गाइड कर देगा। अगर ये नहीं बना होगा पहले, ये यूज़र नेम अगर यूज़ नहीं हुआ होगा तो ये आपको अकाउंट क्रिएट करने का अलाउ कर देगा। अदरवाइज़ अगर यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो ये आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेगा और अलाउ नहीं करेगा कि आप इसको कंटिन्यू करें। सो यहाँ पे आप कोई ऐसा नेम यूज़ करें, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप डॉट के साथ सेपरेट करें। फॉर एग्जांपल मेरा नाम वसीम रियाज है, तो मैं वसीम रियाज .ncbae@gmail.com, ये मेरा ईमेल बन गया। अब यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए नीचे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं कि आप कम अज़ कम 8 करेक्टर को यूज़ करें, और 8 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, और ये मिक्स लेटर्स होने चाहिए, मतलब नंबर्स भी होंगे, सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अपना पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रखें। मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड सेट कर लेता हूँ अपना। डेफिनेटली ये मैं पासवर्ड आपके नहीं बताऊँगा ना दिखाऊँगा कि मैंने क्या लिखा है। आप अपने मुताबिक कोई भी ऐसा पासवर्ड सेट कर लें जो आपको याद रह सकता है, जिसमें कैपिटल लेटर्स भी हों, स्मॉल लेटर्स भी हों, स्पेशल करेक्टर्स भी हों और नंबर्स भी हों। मिक्स ऑफ फॉर्म में रखेंगे तो वो किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो मैंने पासवर्ड सेट किया और दोनों फील्ड्स में सेम पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप पासवर्ड लिख लेते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सबसे पहले आपके यूज़र नेम को वेरीफाई करेगा। अब देखें, जैसे यहाँ पे उसने मुझे गाइड किया कि ये वसीम.रियाज.ncbae ये ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो अगर आप वो सजेशन दे रहा है कि आप ये वाला यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, वसीम रियाज और 625 मैं इसको नंबर देता हूँ। अब नेक्स्ट करता हूँ, अगर ये यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेगा।
सो नेक्स्ट स्क्रीन पे आने का मतलब ये है कि उसने यूजर नेम आपको अलाउ कर दिया है। अब यहाँ पे आप अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दें। डेफिनेटली जब आप ये नंबर देंगे तो वो अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज पे एक स्पेशल कोड होगा, जो कोड आप यहाँ लिखेंगे तो वो कंफर्म करेगा, अदरवाइज आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेगा। अगर आप विदाउट वेरिफिकेशन अकाउंट बना भी लेंगे तो समटाइम ये होता है कि जीमेल अकाउंट आपसे पूछे बगैर आपके डाटा को डिलीट कर देते हैं क्योंकि आप वेरीफाइड नहीं है। सो सिक्योरिटी पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो रियल कॉन्टैक्ट नंबर दें। मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ, रियल कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपको मैसेज ऑन द स्पॉट आपके मोबाइल पे आ जाएगा, तो वो कोड आप लिखेंगे तो आपके अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। समटाइम नेटवर्क फेलियर की वजह से कुछ डिले भी हो जाता है, तो डोंट वरी, आप वेट कर लें। जैसे मुझे अभी रिसीव हो चुका है तो मैं कोड लिख रहा हूँ, तो अगर आपको मैसेज फॉर एग्जाम्पल नहीं आता तो आप कॉल भी जनरेट करवा सकते हैं, तो आपको आपके नंबर पे कॉल आएगी, उस कॉल में वो आपको नंबर बताएंगे, आप पेपर पे नोट करके या डायरेक्टली भी नोट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, बट दोनों मेथड अवेलेबल हैं, कॉल के थ्रू भी और नंबर के थ्रू भी। तो नंबर पे मैसेज जनरेट होगा, अगर आप कॉल करना चाहेंगे तो आप ही के नंबर पे वो कॉल भी करेंगे, कॉल में आप बात नहीं कर सकेंगे, सिर्फ उनकी बात को सुन सकेंगे, वो डेफिनेटली रिकॉर्डेड मैसेज होगा जिसमें आपको नंबर बता दिया जाएगा और एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर से कॉल आपको आएगी। सो डोंट वरी, 1+9 6 5 लाइक दिस, इस तरह का कोई डिफरेंट सा नंबर होगा जो शायद आपको लगेगा पाकिस्तानी नंबर नहीं है, डेफिनेटली इंटरनेट से वेब जनरेटेड नंबर से कॉल आएगी, तो वो कॉल के पीछे रिकॉर्डेड मैसेज होगा और उस मैसेज में आपको वो बता देंगे भी ये, वो बोल देंगे लाइक 5 8 7 3, वो आपको बता देंगे ये डिजिट्स हैं, 2 times वो रिपीट होता है, उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल गलती से कोई नंबर मिस हो गया और आपने वो नंबर ना सुन सके तो आप परेशानी की कोई बात नहीं है, आप कॉल अगेन का बटन प्रेस करेंगे, यहीं पे जब कॉल फर्स्ट टाइम कर लेंगे तो उसके बाद कॉल अगेन का मैसेज आ जाएगा, तो 2 मिनट के बाद आप दोबारा कॉल कर सकेंगे। समटाइम वो 2 मिनट्स का डिस्टेंस देते हैं, समटाइम वो आपको 2 मिनट से कम का भी मार्जिन देते हैं और समटाइम वो 3 मिनट पे भी ले जाते हैं, तो डोंट वरी, टाइम मार्जिन वो गूगल की अपनी पॉलिसी है, उसके मुताबिक वो वेरीफाई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे नंबर जो मुझे मैसेज आया मैंने लिख दिया, मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, वो मेरे अकाउंट को वेरीफाई किया, ओके। अब यहाँ पे वो फोन नंबर जो आपने लिखा वो आपका रजिस्टर्ड हो गया। रिकवरी ईमेल से मुराद ये है कि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो गूगल आपको वेरीफाई कैसे करेगा, वो रिकवरी ईमेल पे एक कंफर्मेशन ईमेल भेजेंगे। सो रिकवरी ईमेल में आप अपने किसी भाई का ईमेल लिख लें, या अगर आपका ऑलरेडी कोई ईमेल अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप वो लिख लें, या लाइक जिस किसी को, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं या जिसको आप एज ए सिक्योर पर्सन समझते हैं अपने लिए, तो आप उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अगर नहीं भी देते तो